राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह को पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को माना जाता है, जहां हर साल पराली जलाने पर दिल्ली की आबोहवा काफी खराब हो जाती है। लेकिन उसी पराली से अब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और प्रकृति की देखरेख होगी। यह कार्य बसंत बिहार की स्थानीय IWA के इको सिख संस्था कर रही है, जिन्होंने बसंत बिहार के MCD के बंजर पड़े पार्क में करीब सैकड़ों पौधे लगाए। इसमें प्राकृतिक खाद और पराली डालकर पौधे लगाए गए हैं। 356 फॉरेस्ट ऐसी फॉरेस्ट लग रहा है यहाँ पे संपिया में, तो ऐसे ही हमने 356 फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया हमने लगा रखे हैं। तो कोई दिखा इसमें से ढाई लाख पेड़ लगा करीब हमने लगा रखे सारे पेड़ लगे। अच्छा, ये देखिए ये पराली पड़ी हुई इधर सारे, ये जितनी भी प्लांटेशन हो रही है इसमें पहले मिट्टी में ये पराली मिलाई गई और गोबर की खाद, देसी गाय के गोबर की खाद मिलाई गई। उसके बाद अब ये प्लांटेशन जब हो जाएगी इसको पराली को पेड़ों के नीचे बिछाया जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, तो जो जितने माइक्रोब्स गोबर में से पैदा होंगे वो नीचे जो भी मटेरियल है, खाद है, ये पत्ते गिरते हैं कुछ भी है, उनकी खाद बनाते रहेंगे। वो पार्क की खासियत ये है कि ये ऑल इंडिया लेवल का पार्क बनेगा, जिसमें कि तरह तरह की चीज़ें होंगी, जिससे कि लोगों को अपने आप को ठीक रखने का माध्यम मिलेगा। और इसमें सारे पौधे जो हैं वो नेटिव होंगे, और वो नेटिव प्लांट्स जो हैं, जैसे इसमें इंसुलिन प्लांट हमने लगाए हुए हैं, और इंसुलिन प्लांट हमने अभी और लोगों को दिए भी हुए हैं। हमारा जो एक D7 का पार्क है उसमें ऑलरेडी हमने नर्सरी बनाई हुई है, और यहाँ पर लार्जर स्केल पर वो सारा काम कर रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ के RW के बहुत ही एक्टिव केशव गर्ग जी मिले आकर, तो उन्होंने कहा कि इस पार्क की हालत बहुत बेकार है, और ये अगर हम RW को दे दिया जाए ये पार्क, तो हम इसको अच्छे से डेवलप करेंगे और इसमें हजारों की तादाद में पौधे लगाएंगे। और मैं इनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब से ये पार्क इन्होंने टेक ओवर किया है तब से आप देख रहे हैं आज कासगंज जिले